आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपने और अपनी फैमिली का इस पैंडेमिक में बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं कास्ट टाइम में। जी हाँ, कास्ट टाइम दिल्ली में नहीं, पटना में। जी हाँ, बहुत जबरदस्त शोरूम पटना में कास्ट टाइम का खुल चुका है, और जो काम आपको दिल्ली में होते हुए दिखता था अब दिल्ली खुद चल के पटना में आ चुका है। So, आज हम कार स्टाइलिंग में एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी गाड़ी जो कि पूरे पटना में आई थिंक वो कोई भी नहीं आपको वो काम करके देने वाला है। और आज देखते हैं कि क्या क्या एसेसरीज की वैरायटी आपको इस शॉप पे मिलने वाली है। सो बिना किसी फर्दर डिले के मिलते हैं सबसे पहले शॉप के ओनर से, और उसके बाद बात करते हैं सारी डिटेल्स के बारे में। सो चलते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो मैं आपको आज मिलवाना चाहूंगा उत्कर्ष भैया के साथ। सो उत्कर्ष भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया भैया। सो आज हमें उत्कर्ष भैया अपने शॉप के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कार स्टाइलिंग मेरा बेसिकली दिल्ली बेस्ड ब्रांड है, और हमारे 3 शोरूम दिल्ली में ऑपरेशनल थे, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में। 4 शोरूम हम लोगों ने पटना में लाया है। जितनी भी फैसिलिटीज, जितनी भी एक्सेसरी, जेन्यून इंटीरियर मॉडिफिकेशन, प्लस बिहार में हमारा सबसे बड़ा जो USP है वो है कि हमारे पास हाइड्रोग्राफिक फिल्म्स एंड वुडन का प्लांट हमने डाला है, जो कि बिहार में किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। पटना का पहला हाइड्रोग्राफिक प्लांट कास्ट स्टाइलिंग आपके पास लेके आया है, और मिनिमम जो पटना का प्राइसिंग हो सकता है, हमने ये भी कोशिश किया है कि पटना के रेट के हिसाब से, यहाँ के कॉम्पिटेटिव मार्केट के हिसाब से हमने प्राइसिंग बहुत रिड्यूस किया है, ताकि पटना में हम लोग एक अच्छी सर्विस दे सके, ताकि लोगों को अपनी कार स्टाइलिंग कराने के लिए और किसी मॉडिफिकेशन के लिए दिल्ली या कहीं अदर जगह नहीं जाना पड़े, वो सारी फैसिलिटीज हम लोग पटना में देने जा रहे हैं। क्या हम आपकी फैक्ट्री को देख सकते हैं जहाँ पे हाइड्रो डिपिंग और हाइड्रो फिल्मिंग का काम होता है? बिल्कुल, हम लोग बस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे हमारी फैक्ट्री और प्लांट है जहाँ हम लोग हाइड्रोग्राफिक फिल्म करते हैं। आइए मैं आपको अपनी फैक्ट्री दिखाता हूँ। सो चलिए चलते हैं। सो गाइज, ये है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जो कि सीधा शोरूम से निकल करके कार स्टाइलिंग में आ चुकी है, और हमारे साथ कार स्टाइलिंग के टीम मेंबर्स हैं। सो भैया आप आ जाइए। हेलो। सो हेलो भैया। हेलो। सो हमारे साथ विशाल भैया एंड उत्कर्ष भैया है। सो उत्कर्ष भैया एंड विशाल भैया, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी में आप लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो? इस गाड़ी के अंदर जो गाड़ी का जो इंटीरियर वो पूरा का पूरा ब्लैक में आता है। ओके। तो कस्टमर का चॉइस था कि उसको लाइट कलर कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा चाहिए जो गाड़ी को डिसेंसी को और बढ़ा दे। तो उसका चॉइस था कि हम ये पूरा जो डोर पैनल्स है, आप देख सकते हैं हमने पूरी गाड़ी को डिसमेंटल किया हुआ है, सारे डोर पैनल्स खुल चुके हैं जो हमारे फैक्ट्री में जा चुके हैं। अब हम इसके लोअर पार्ट को बेज कलर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, यू विल बी गोना सी द ड्यूअल टोन ऑफ द अर्बन क्रूजर। ओके, तो ये पूरी ड्यूअल टोन में, आई थिंक ये तो पूरी ब्लैक में ही आती होगी। ब्लैक में आती है। और हाँ, दूसरा क्या है कि इसके ये जो प्यानो ब्लैक फिनिश है, ये सिर्फ इसके डैशबोर्ड पार्ट पे है। सो हम इस फिनिश को हाईलाइट करने वाले हैं डोर पैनल्स के ऊपर भी पूरी। हाँ। तो एक सिमेट्री लेवल से आपका ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन इस गाड़ी में आने वाला है, जो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर गाड़ी को और सुंदर बनाना, थोड़ा समय जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी हैव सेंट ऑल दिस पार्ट्स टू आवर फैक्ट्री। सो अब हम फैक्ट्री में जाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या पार्ट्स में काम हो रहा है। सो लेट्स गो। So here you can see that we have it is not completed yet. Okay. ये अभी काम चल रहा है। हमने ब्लैक और सीट का कॉम्बिनेशन, ब्लैक और बेस का कॉम्बिनेशन सीट पे भी दिया है, जो कॉम्बिनेशन आपकी डोर पैनल्स पे भी आने वाला है। ओके, ये पूरी गाड़ी के इंटीरियर में, दिस इज द इंटीरियर थीम, कस्टमाइज्ड सीट्स। ओके, दिस इज द कस्टमाइज्ड सीट विद थाई सपोर्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमाइजेशन एंड बकेट सीट? बकेट सीट हम लोग ऊपर से डाल के स्टिचिंग करते हैं, जो बकेट फिटिंग का होता है। बट कस्टमाइजेशन सीट में हमें जो भी फैसिलिटीज चाहिए, लाइक हाई सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा फोमिंग एंड ऑल, वो हम लोग एक्स्ट्रा फोमिंग देके एंड ब्रांड न्यू सीट्स जैसे फैक्ट्री में होता है वही स्टाइल वैसे सीट्स देते हैं, विद एडेड एडवांटेज ऑफ थाई सपोर्ट। थाई सपोर्ट्स। ठीक है, मैं समझना पड़ेगा कस्टमाइजेशन है क्या। कस्टमर को हम इन्वाइट करते हैं, आप आए अपना डिजाइन लेके आए। अगर आपका डिजाइन नहीं है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप वो डिजाइन चूज करें, कलर चूज करें, मटेरियल चूज करें, हम उसे बना के देंगे। वी हैव द फैक्ट्री एज़ वेल। आपको ये सब कुछ ये रेडी नहीं है। ओके, कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग हम इसको रेडी करते हैं। ओके, सो अब पैनल्स भी दिखाता हूं। ये हमारा पेंट बूथ है। यहाँ पर अभी ऑब्वियसली काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक लेयर कोट अभी सॉफ्ट फिल पेंट का हुआ है, अभी काफी सारा प्रोसेस इसमें स्टार्ट होगा, ताकि ये फाइनल स्टेज पे पहुंचने के बाद ही हम गाड़ी में लगा पाए। ओके, सो दैट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। सो ये है जो सारे पैनल्स हैं जिनको भैया ने पेंट किया।
सो भैया मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जो आपने पैनल पेंट किया आप इसको डायरेक्टली गाड़ी में लगा देते हो क्या? ये भी तो प्रोसेस बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे है। ओके। अभी ये पूरा अभी फिर पेंट हुआ है, इसके दो तीन कोट्स होते हैं सॉफ्ट फिल को जो फिनिश देने के लिए होता है। उसके बाद पैनल्स को ड्राई करने के लिए, इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी स्टिकनेस को पूरा लॉन्ग टाइम करने के लिए हम इसको इस ओवन में डालेंगे पूरी की पूरी ट्रॉली को जो इसको बेक करेगा। ओके। इट विल बेक इट कितना टेम्परेचर, करीबन 50 डिग्री टेम्परेचर के आसपास इसे बेक करेगा ताकि पेंट की लाइफ और ज्यादा बेटर हो जाए। ओके। सो ये उसके बाद जाके हम गाड़ी में इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। सो मैं एक ओवरऑल आउटलुक इसका दिखा देता हूँ। सो ये हो गए अपने डोर पैनल्स और ये अपने सारे इंटीरियर के पार्ट्स। सो गाइज अब जो अर्बन क्रूजर में है वो फिटिंग का काम चल रहा है। सो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे गाड़ी के पास में और दिखाता हूँ कि कितने प्रॉपर तरीके से जो कार स्टाइलिंग की टीम है वो वर्क करती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि भैया जो हैं सारे वो लगे हुए हैं, एक एक आपके जो पैनल्स हो गए, आपके जो सीट्स हो गई, उनकी हर एक चीज़ों को भैया लोग बहुत केयर के साथ में, बहुत हार्ड वर्किंग है यहाँ की टीम और बहुत अच्छे तरीके से ये फिट करते हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ एक फ्रंट की साइड में जो सीट इसकी लग गई है। सो आप देख सकते हैं जो इसकी फिटिंग है वो बहुत ही प्रॉपर आने वाली है और अभी आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। सो भैया लोगों को जो अब है वो मैं लगा देने देता हूँ ये गाड़ी की जो पूरी फिटमेंट है, उसके बाद हम लोग सीधा शॉप में चलते हैं और उसके बाद में आपको इसके जो ये फिटमेंट हो जाती है उसके बाद में एक इसकी प्रॉपर लुक दिखाता हूँ। आप लोगों ने अर्बन क्रूजर का जो काम होते हुए वहां पे देखा था जो बिफोर लुक में था, अब आपके सामने ये बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और हम इसको एक एक छोटे छोटे डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या मॉड्स हुए इस गाड़ी में। सो उत्कर्ष भैया मैं आपको दिखाता हूँ इस अर्बन क्रूजर में। अर्बन क्रूज जो पहले ब्रीजा गाड़ी आती थी सेम उसी के मॉडल का अर्बन क्रूजर टोयोटा ने लॉन्च किया है और इसमें हम लोगों ने पूरा कंप्लीट इंटीरियर का काम किया है। लाइकवाइज हमने सीट का काम किया है, स्टीयरिंग का काम किया है, आर्मरेस्ट का काम हुआ है सारे पैनल्स में। तो आइए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ इसमें हम लोगों ने इंटीरियर से क्या क्या काम किया। सो हम लोग चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ से और मैं कैमरा मैन को बोलूंगा कि वो दिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी को हमने कंप्लीट का ड्यूअल टोन में कन्वर्ट किया है, बेस एंड ब्लैक कलर के ड्यूअल टोन विथ कुशनिंग एंड एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट। फ्रंट सीट पे हमने थाई सपोर्ट भी दिया है और हम अगर थाई सपोर्ट के बाद आते हैं तो हम इसके बाद आर्मरेस्ट भी हम लोगों ने ड्यूअल टोन में किया है, सारे सीट्स ड्यूअल टोन में हुए हैं। प्लस जो हमारा बहुत बड़ा यूएसपी है दैट इज हाइड्रोग्राफिक फिल्म एंड वुडन के काम एंड पेंट। तो जितने भी आप पिलर्स देख रहे हैं, पिलर ए, पिलर बी एंड पिलर सी, ये सारे पिलर्स इंक्लूडिंग द बेस, बेस मीन्स होता है हमारे जितने भी वुड, जितने भी हमारे डोर्स हैं वो डोर्स को पूरा हम लोग हाइड्रोग्राफिक पेंट्स करते हैं। फिर नीचे आप देखेंगे तो नीचे बेस में भी हम लोगों ने बेस कलर का हाइड्रोग्राफिक फिल्म किया है जो कहीं से भी मिसमैच नहीं लगेगा। इसका मतलब आपको पूरी अर्बन क्रूजर ड्यूअल टोन में दिखेगी जो आप देख रहे हैं विथ अर्बन क्रूजर में। हम लोगों ने फ्रंट टिल बैक 00 ड्यूअल टोन दिया है, ड्यूअल टोन बेस एंड ब्लैक में। आप देख लीजिए इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट फिल लेदर कोट इसमें हम लोगों ने किया है जिसमें गाड़ी की ओरिजिनलिटी कहीं से भी कम नहीं होती है। इनफैक्ट जितनी गाड़ी की ओरिजिनलिटी थी उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें 10-20% का एनहांसमेंट हो, फुट एंड वर्क होता है, फिल्मिंग होता है और कोई भी प्रोडक्ट हमारे कास्ट स्टाइलिंग में लोकल मार्केट से परचेज नहीं होता है। एवरी एंड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर्स कंट्रीज एंड हमारे कास्ट स्टाइलिंग में अगर आप सर्विस लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप इसको मल्टीपल सिटी में सर्विस ले सकते हैं। सपोज मैंने ये गाड़ी आपको बना के दी, उसमें 3 साल की मैं वारंटी देता हूँ पटना में, इसकी क्या गारंटी है कि आप 3 साल पटना में रहेंगे? इसलिए अगर आप कार स्टाइलिंग में आते हैं तो अगर आपकी गाड़ी 1-2 साल बाद कभी दिल्ली जाती है, लखनऊ जाती है, चंडीगढ़ जाती है तो हम लोग वहां भी आपको सर्विस दे सकते हैं। ये फायदा आपको ब्रांडेड आउटलेट का है। सो सबसे बड़ी कार स्टाइलिंग की यूएसपी यही है कि आप अगर पटना में भी काम कराते हो, बाय द वे में अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है
तो आप इसको अगर मान लो आप दिल्ली चले जाते हो, लखनऊ चले जाते हो, तो कहीं भी जाके आप सर्विस करवा सकते हो या फिर आप इसके रिलेटेड वारंटी क्लेम ले सकते हो। सो अब आइए हम लेते हैं कस्टमर का रिव्यू। सो सर आप आ सकते हैं फ्रेम में। सो सर आपका सबसे पहले नाम बता दीजिए। संदीप। संदीप सर, तो सर आप कहाँ से हैं? पटना से। सो सर आपको कार स्टाइलिंग का काम कैसा लगा? स्पीचलेस। स्पीचलेस। सो एक वर्ड में सर ने बताया कि ये काम उनको स्पीचलेस लगा है। सो सर आपको सबसे खास चीज कार स्टाइलिंग की क्या लगी? सभी लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बात करने का तरीका, सब चीज, और कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का जो है ये, वो बहुत अच्छा लगा। ओके। और काम में, और काम में पहले बताया हमने कि स्पीचलेस, जैसे ही कार खोल के हमने देखा अवाक रह गया। तो ये सो दोस्तों आप लोग एक बार जरूर कार स्टाइलिंग में विजिट करिए। आप लोग जो दिल्ली जाते थे वो कॉस्ट आपकी बिल्कुल सेव हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपको काम होके मिलेगा दैट इज स्पीचलेस। आपको खुद आके एक्सपीरियंस करना होगा कि कितना बढ़िया और शानदार काम आपको कार स्टाइलिंग के अंदर में मिलेगा होते हुए। सो विद दिस सेट दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। विद दिस सेट बाय बाय, टेक केयर।